मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया कि आप पहली बार आप कहाँ पर ऑडिशन देने जा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। आपने बोला कि लव 420 फिल्म के ऑडिशन देने जा रहा था, एक एड के लिए जा रहा था, एक मलयालम फिल्म के जा रहा था, एक जी टीवी के लिए जा रहा था, कहीं जा रहा था। दिस इज ऑल वेक इन्फॉर्मेशन जो है। किस ऑडिशन के लिए जा रहे हो, वेर आर यू गोइंग, वाई यू गोइंग, वट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर लुकिंग फॉर, वाई आर यू कॉल्ड फॉर, आर यू फिट फॉर दैट पार्ट? बिकॉज देन इफ यू कम टू द कास्टिंग डायरेक्टर, यू गो टू द कास्टिंग डायरेक्टर, बोलते कि यार आप फिट नहीं होते, फिर बोले कि अच्छा यार हमारे लिए तो कुछ था नहीं, हमको क्यों मना कर दिया? बिकॉज यू गो विदाउट गोइंग एंड टेकिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज जब भी आप जाते हो किसी के लिए मत जाओ, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड दिन को। और मेरे को इतना पता कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो मुझे वो दो मिनट या पाँच मिनट में, आई एम नॉट अ गॉड कि आई कैन जज इन फाइव मिनट, बट जस्ट दो फाइव मिनट आई जस्ट वॉन्ट टू सी योर ऑनेस्टी। क्या मैं पाँच मिनट में आपको जस्ट होकर, आई एम नॉट अ गॉड यार, क्या पाँच मिनट में बोलेगा आई कैन ओके, कुछ तो बात है, आई कैन मेक योर लाइफ। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। आई डोंट जज एनी वन, बिकॉज मुझे लगता है कि इफ दिस बॉय कैन फिट इन वासीपुर, दिस कैन फिट इन रॉक स्टार, दिस कैन फिट इन चिल्लर पार्टी, दिस बॉय कैन फिट इन अदर एनी अदर फिल्म, तो सबके लिए सब फिल्म में रोल होता है। तो ऐसा नहीं कि बट हाँ, वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि दिस बॉय कैन फिट इन गैंग्स ऑफ वासीपुर, आई कैन फिट इन, इसको रॉक स्टार में डाल नहीं सकता, लव आजकल में डाल नहीं सकता। वो आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड द पर्सन, नॉट कि अब वो बोलेगा सर वो हम तो सेम क्लासमेट हैं, अगर वो रॉकस्टार में होता तो मैं क्यों नहीं हो सकता, हम तो सेम क्लास में पढ़े हैं। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सर हम तो सेम बैचमेट हैं, हम भी एनर्जी में सेम एनर्जी से पास आउट हुए हैं, हम भी सेम एज के हैं, हम भी सेम क्लासमेट हैं, तो मुझे क्यों नहीं ले रहे? अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग स्ट्रक्चर होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, वो अलग रिलीजन के होते हैं, अलग लैंग्वेज के होते हैं, अलग फेस स्ट्रक्चर होता है, अलग हाइट होती है, तो अलग ब्रीफ होता है हमारे पास। आप जाते हो आपको बोल देंगे स्क्रिप्ट दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक आप जहाँ भी जाएंगे थोड़ा उनसे बात कीजिए, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा रोल को समझने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए। क्योंकि प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर और मोस्ट ऑफ द टेलीविजन पीपल एंड नेट पीपल ना, हाँ ये स्क्रिप्ट है पढ़ के बता दीजिए, आप कर लीजिए, खुद बैठे हुए हैं मोबाइल पर खेल रहे हैं, तो अटेंशन नहीं मिलता। प्रॉब्लम विद द कास्टिंग डायरेक्टर इन बॉल, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक्टर को प्रॉपर अटेंशन मिले। द प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर, दे गिव यू टू मिनट्स टू परफॉर्म। How can an actor can act in 2 minutes? You've gone through proper training, you need that much space, आप time spend करके जाएंगे। तो I think आप जाइए उनसे बातचीत कीजिए, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप comfortable होंगे, फिर मैं आपसे बात करूँगा, फिर आपको रोल दूंगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, तभी तो आप परफॉर्म कर पाएंगे। आप भी जादूगर नहीं, मैं भी जादूगर नहीं हूँ, बट जिस भी जगह जाओ डू जस्ट डू अ गुड परफॉर्मेंस। अगर आपको एक सीन भी मिलता है करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, नवाजुद्दीन का एग्जाम्पल देता हूँ, राजकुमार यादव का एग्जाम्पल देता हूँ, और भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक साथ में एक लड़का काम करता है, असिस्टेंट है, एसोसिएट है, आकाश दहिया। उसने छोटे छोटे रोल किए ना, वो डीडे में वन ऑफ द लीड है, इरफान, अर्जुन, हुमा एंड आकाश दहिया। तो आई थिंक वो करते 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 आपको जो परफॉर्मेंस करते करते जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एक सीन करोगे मन से कर दो, और कोई भी डायरेक्टर जो फिल्म देखने जाता है वो भूलता नहीं है कि वो एक्टर कौन था, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे इम्तियाज अली हो, चाहे राजीव रंजन वगैरह, मैं इन सबके सामने एक साथ काम करता हूँ। मुझे बोलते हैं कि यार अभी 4 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसमें एक एक्टर था, उसने वो सीन किया था, उसको बुला। दैट मीन दे रिमेंबर। वाई दे रिमेंबर? बिकॉज ऑफ योर वन सीन। मैं आपको वासीपुर का एक ऑडिशन दिखाना चाहता हूँ, पंकज त्रिपाठी का। आप वो ऑडिशन देखोगे, उस पर मेरा और अनुराग कश्यप का कम से कम 2 दिन तक फाइट चल रहा था। मैंने बोला कि यही होगा, नहीं बोला कि नहीं यार दूसरे एक्ट लेना है, मैंने कहा कि यही एक्टर होगा। मैंने बोला मैं ऑडिशन करता हूँ, देन यू टेक अ कॉल। तो मैं ऑडिशन दिखाता हूँ, उस ऑडिशन के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अभी कोई कमेंट नहीं। दुश्मन के साथ रिश्तेदारी बांध के बड़े सो जा रहा है। फॉर अ गुड ऑडिशन स्पेंड टाइम ऑन योर स्क्रिप्ट, नॉट ऑन योर बॉडी एंड मेकअप। सो प्लीज स्पेंड गुड टाइम, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड ऑडिशन, आस्क देम अ प्रॉपर स्क्रिप्ट, रिक्वेस्ट देम अ प्रॉपर को एक्टर। डोंट जस्ट डू इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आस्क फॉर अ पर्सन स्टैंड नेक्स्ट टू यू, टेल देम टू गिव यू अ प्रॉपर क्यू, टेल देम टू गिव यू अ प्रॉपर टाइम, बिकॉज विदाउट आई कॉन्टैक्ट आई डोंट थिंक सो यू कैन परफॉर्म। मैं सबके सब एक्टर को स्टोर करके रखता हूँ, इसलिए मैं किसी भी एक्टर्स के फोटोग्राफ नहीं लेता हूँ। मेरे ऑफिस में आकर सबको मैं कैमरा में लेके रखता हूँ कि आप आइए फोटोग्राफ मत दीजिए, बिकॉज मुझे फोटोग्राफ हमेशा लगता है कि फोटोशॉप्ड होते हैं और फेक लगते हैं जब मैं देखता हूँ, तो अजीब। इसलिए मैं कम टू माई ऑफिस, आप कैमरे में आइए, रिकॉर्ड योर सेल्फ,
फिर मैं वो रिकॉर्ड करके रखता हूँ, जैसे मुझे लगता है नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं फिर उसको, जैसे मैंने कुछ एक्टर्स को वासीपुर के टाइम में जो एक्टर मैंने बुलाया था उसको मैं किसी को 3 साल पहले मिला था, किसी को 4 साल पहले, जैसे कायपोचे में एक्टर अमित साध उसको मैंने 3 साल पहले एक फिल्म के लिए ऑडिशन किया था, तो मैंने उसको कायपोचे में 3 साल बाद बुलाया। आपको अपने रोल में इतना ध्यान देना चाहिए, आपको अपना परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान देना चाहिए कि आपको इतना अच्छा परफॉर्म कर दो कि आपको वो जबरदस्ती मेकअप और कॉस्ट्यूम तो वो कैरेक्टर बना दे। अनुपम खेर साहब ने सारे रोल पे सारे लुक बना के दे दिए, वो तो एक ही एक्टर है ना, उनके लिए उन्होंने हम से लेकर वेडनेसडे से लेकर सारे डिफरेंट डिफरेंट डैडी से लेकर सब उन्होंने सब परफॉर्मेंस कर दिया ना, आदमी तो एक ही है ना, उन्होंने वो तो परफॉर्मेंस उन्होंने किया, तो बाद में उन्होंने बड़े दांत लगाने हैं या बड़े बाल करने, वो तो उन्होंने बाद में किया है ना, तो आपको वो परफॉर्म करना है, मेहनत से परफॉर्म करना है, बाद में आपके लिए वो लुक बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। आई एम अ नॉर्थ इंडियन बॉय, इफ आई गो टू साउथ आई वोंट गेट एन गुड रोल, इफ आई एम मलयालम आई माइट गेट अ गुड रोल। ओके, तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे काम करोगे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क तो लगेगा ना, अब धनुष के लिए भी तो यहाँ पे काम निकल कर आए ना। मैं हमेशा एक जोक बोलता हूँ, मैं कैमरा में एक जोक बोल रहा हूँ, देखिए जब आप किसी पार्टी में जाते हो ना, आपके पास दारू खत्म हो जाता है तो आप दारू ढूंढ लेते हो ना, तो वैसे ही आप कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के नंबर भी ढूंढ लेते हो। तो आप जब बाहर निकलोगे ना तो यही तो सारा स्ट्रगल है यार, तो आप जब उनको अप्रोच करोगे तो रिमेंबर वन थिंग, जब आप अप्रोच करेंगे तो एक तो उनको राइट टाइम पे अप्रोच करना कि जब फिल्म चल रही है, जनरली आप उनको अप्रोच करते रहोगे मैसेजेस करते रहोगे कुछ नहीं हो रहा, आपको सब कुछ सबका इन्फॉर्मेशन मालूम होता है। और एक चीज़ सबको बता दूँ कि आप सब एक बैचमेट है ना, ये जो अंदर की बात होती है ना उसको नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा कहाँ चल रहा है, एक आप सबके साथ में रहोगे कि सबके लिए रोल होता है, अगर आपको कुछ मालूम चलता है कि ये जिसमें फिट होता है इसमें, तुम दोनों एक जगह फिट नहीं हो सकते हो, अगर आप वो नंबर इसको दे भी दोगे तुम इसको नंबर दे भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इट्स अ चेन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। यार मेरे को लगता है हेजिटेशन तो ऑब्वियसली होता है, आप किसी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, लड़का लड़की देखने आता है शादी के लिए, वहाँ भी हेजिटेशन होता है, तो आपको ब्रेक क्या करना होता है, आपको जो बेसिक कॉन्फिडेंस होता है ना, अगर मैं इस क्लास में आया बात करने के लिए मेरे अंदर भी हेजिटेशन थी, मैं आपसे बात करके कंफर्टेबल होऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद आप हंसना शुरू करेंगे तो आप और कंफर्टेबल होंगे, मुझसे और सवाल पूछेंगे। आई थिंक टेक दैट मच टाइम, जब भी आप किसी ऑडिशन पर जाएंगे तो इमीडिएटली डोंट परफॉर्म, से दैट आई नीड दैट मच टाइम, तो प्लीज़ गिव मी दैट मच टाइम, इफ दे सेइंग कि नहीं आप 2 मिनट में कीजिए, बोल सर आई कैन डू इट, एंड मेंटेन दैट डिग्निफाइड ईगो। आई एम नॉट सेइंग इट ईगो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड अ डिग्निफाइड ईगो। ईगो दैट आई एम एन एक्टर, गिव मी दैट मच रिस्पेक्ट, गिव मी दैट मच रिस्पेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट नेवर अंडरस्टैंड इन बॉलीवुड कि यार ये कैसी सी ईगो है, सर मुझे इतना टाइम तो चाहिए एक्टर हूँ मैं तैयारी करने के लिए, आप प्लीज़ ask for your time, this is what I honestly feel।